नमस्कार मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास की व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। आज हम आपसे नए प्रकरण पर चर्चा करने चल रहे हैं। आज का प्रकरण है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किन प्रतिक्रियाओं का परिणाम था बौद्ध धर्म, क्या विशेषताएं थी बौद्ध धर्म की, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध, जो इसके प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, छठी सदी ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म की शुरुआत छठी सदी ईसा पूर्व में हुई, महात्मा बुद्ध के द्वारा हुई। सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जो प्रारंभिक परिचय है उसके बारे में, फिर बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे। सबसे पहले हम प्रारंभिक परिचय के बारे में अवगत होंगे, तत्पश्चात बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे, शिक्षाएं क्या थी, कुछ अन्य लक्षण क्या थे, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रारंभिक परिचय, महात्मा बुद्ध राजवंशी थे। उनका जन्म कपिलवस्तु के शासक पिता का नाम था सुद्धोधन। मां उनकी थी महामाया। इनके यहां 563 BC में इनका जन्म हुआ था। बैसाख पूर्णिमा, बैसाख शुक्ल पक्ष जो हिंदी माह है, बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। पिता सुद्धोधन, मां महामाया, पिता कपिलवस्तु के शासक थे और शाक्य वंशीय क्षत्रिय थे। कपिलवस्तु नेपाल की तराई में, ये एक गणराज था, वहां के शासक थे। इनके जन्म से संबंधित भी कई कहानियां हैं जो बौद्ध धर्म की पुस्तकों में मिलती हैं कि मां महामाया को जन्म से पूर्व एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक सफेद रंग का हाथी उनके गर्भ में प्रवेश किया। जब इस बात की चर्चा सम्राट तक पहुंची, शासक तक पहुंची, तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया और ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की कि होने वाला जो बालक है वो या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या महासन्यासी होगा। पिता इस बात से चिंतित थे। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, उन्होंने उसको राज्य कार्य में व्यस्त करने की सोची। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जैसे जैसे बढ़ने लगे, पिता उस भविष्यवाणी से चिंतित होकर के उनको राज्य कार्य में संलिप्त करने की कोशिश करते रहे। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हो गया। पत्नी यशोधरा, यशोधरा के साथ विवाह हुआ, किंतु सिद्धार्थ का मन सांसारिक मोह माया में नहीं लगता था। कहते हैं कि सिद्धार्थ एक दिन नगर की यात्रा पर गए, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृतक शरीर और एक सन्यासी, चार चीजों को देखा। कौन कौन? एक रोगी, एक वृद्ध को देखा, एक मृतक शरीर को देखा और एक सन्यासी को देखा। सिद्धार्थ ने रोगी को देखा, वृद्ध को देखा, मृतक शरीर को देखा और सन्यासी को देखा।
इनको चार महासत्य कहते हैं, उनको यह आभास हुआ कि यह शरीर एक दिन रोग ग्रस्त हो सकता है और उसके शरीर की स्थिति इसी रोगी के भांत हो सकती है। वृद्ध को देख करके उनको यह ज्ञान हुआ कि यह शरीर शाश्वत नहीं है, यह शरीर धीरे धीरे इसमें गिरावट होगी और इसी प्रकार वृद्धावस्था का शिकार हर एक को होना है। मृतक शरीर को देखा कि शरीर एक दिन नश्वर है, छोड़ करके जाना है। सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर एक दीप्ति आभा थी, संतोष की झलक थी। भगवान बुद्ध ने जब इन चार सत्य को देखा तो उनको ये एहसास हुआ कि सन्यास धर्म ही, सन्यास मार्ग ही वो मार्ग है जो जीवन के पार ले जा सकता है। यहीं से उन्हें वैराग्य होने लगा और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र राहुल, उस समय तक उन्हें पुत्र प्राप्त हो चुका था, पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी। पुत्र की प्राप्ति उन्हें 28वें वर्ष, सिद्धार्थ को जन्म के 28वें वर्ष पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ठीक एक साल के बाद उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को रात में सोते हुए परित्याग कर राजमहल से बाहर अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर के, उनके घोड़े का नाम था कंथक, अपने घोड़े पर सवार होकर के राजमहल से बाहर निकल पड़े और राजमहल से थोड़ी दूर जाकर के वो समस्त राजकीय जो वेशभूषा थी उसको उन्होंने त्याग दिया और कौपीन वस्त्र, सन्यासी के वस्त्र धारण कर लिए। अब उनकी मंजिल सन्यास की ओर थी और इसके लिए उन्होंने जो स्थान चुना वैशाली, बिहार में है। वैशाली में सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के एक प्रमुख आचार्य रहते थे, उनका नाम था आलार कलाम। आचार्य आलार कलाम के आश्रम में गए वैशाली और वहां इन्होंने तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। आलार कलाम के आश्रम को छोड़ करके वो चले आए उरवेला, जिसको बोधगया आज हम कहते हैं, उरवेला या बोधगया। यहां आ गए और यहां उरवेला में वो अन्य शिष्यों के साथ, अन्य दूसरे साधकों के साथ उन्होंने साधना अपनी प्रारंभ की। कौंडिन्य एक उनका प्रमुख साधक साथी था, कौंडिन्य के साथ उरवेला में इन्होंने अपनी साधना प्रारंभ की। चार पांच और भी इनके साथ संत थे, तो कहते हैं कि इन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, बिल्कुल क्रिसक्राय हो गए थे, दुर्बल हो गए थे। ऐसी स्थिति में इनके सामने से एक संगीतकारों की टोली गुजरी और वो गाते हुए जा रहे थे कि वीणा के तारों को इतना मत ढीला छोड़ो कि वो बेसुरे हो जाएं और इतना मत कसो कि वो टूट जाएं। महात्मा बुद्ध ने उससे प्रेरणा ली, उनको लगा कि ये साधना का जो कठोर मार्ग है इसको छोड़ करके मध्यम मार्ग अपनाना होगा, जिससे कि इस शरीर को बचाया जा सके और साधना पूरी की जा सके। यही प्रेरणा थी उनकी और उन्होंने साधना का मध्यम प्रतिपदा मार्ग, भगवान बुद्ध ने साधना के मध्यम प्रतिपदा मार्ग का को अपनाया और उन्होंने निरंजना नदी के किनारे, बोधगया के पास निरंजना नदी के किनारे 49 दिन तक साधना की। पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने साधना की।
इस साधना के समय भी एक घटना घटित हुई। ये पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी साधना में लीन थे और पड़ोस की एक बालिका पीपल वृक्ष की पूजा के लिए खीर लेकर के आई। उस खीर को उसने पीपल वृक्ष को अर्पित किया। भगवान बुद्ध ने उस खीर को खा लिया। इसके लिए कौंडिन्य आदि जो दूसरे साधक थे उन्होंने ये कह करके कि तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया है, तुम्हारी साधना नष्ट हो गई है, इन्हें छोड़कर चले गए। भगवान बुद्ध अपनी साधना में लीन रहे। 49 डेज के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। नर्मदा नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे और इनकी जो 7 वर्ष की साधना थी, 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे, याद है आपको, 7 वर्ष की साधना के पश्चात इनकी अवस्था हो गई 35 वर्ष। 35 वर्ष की अवस्था में निरंजन नदी के किनारे 49 दिन की इस मध्यम मार्ग की साधना के पश्चात इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और जो सिद्धार्थ थे वो तथागत कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। और अब ज्ञान प्राप्त के पश्चात इन्होंने सबसे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, उपदेश सारनाथ में। जो उपदेश इन्होंने देना चालू किया, इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म का चक्र प्रारंभ हो गया। धर्म चक्र प्रवर्तन मीन्स धर्म का प्रारंभ हुआ। तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो पहला उपदेश दिया इन्होंने, उन्हीं 5 ब्राह्मण शिष्यों कौंडिन्य समेत जो 5 शिष्य जो इनको साधना में छोड़ करके चले गए थे, उन्हीं 5 ब्राह्मण शिष्यों को इन्होंने पहला उपदेश दिया। इस प्रकार से कौंडिन्य को प्रथम शिक्षित करके, 5 ब्राह्मणों को शिक्षित करके सारनाथ में इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन को प्रारंभ किया। और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने अपने जीवन काल में श्रावस्ती में दिया, जो कोसल की राजधानी थी, कोसल राज की राजधानी थी। इसके शासक थे प्रसेंजित, राजा प्रसेंजित महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। और इसीलिए इन्होंने अपने जीवन के 24 वर्ष, वर्षा काल का जो 4 माह होता है, 24 चौमासे इन्होंने श्रावस्ती में व्यतीत किए और वहां पर इन्होंने अपने उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध अब महात्मा हो गए, तथागत कहलाए। उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने क्या ज्ञान का उपदेश दिया, बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी, इस बिंदु पर अब हम चर्चा करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं। महात्मा बुद्ध ने बतलाया कि यह संसार जो भी हम देख रहे हैं, ये सभी शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है। संसार दुखमय है, दुख का कारण है, का कारण है इच्छा, मोह, वासना। दुख का निरोध किया जा सकता है, दुख का निरोध करके हम कैसे इससे बाहर जा सकते हैं, इससे दुख से पार पाने के लिए, दुख से मुक्त के लिए प्रतिपदा मार्ग, दुख प्रतिपदा। संसार दुखमय है, दुख का कारण है, या इसको हम कहेंगे दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख प्रतिपदा। संसार दुखों से भरा हुआ है और ये दुख है क्यों, हमारी इच्छा के कारण। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी महसूस करते हैं। जितनी मोह वासना इच्छाएं
अगर हम इन इच्छाओं से पार चले जाएं, दुख से मुक्ति हो सकती है। लेकिन इच्छाओं से पार कैसे जाएंगे? इच्छाओं से पार जाने के लिए हमको दुख गामिनी प्रतिपदा या दुख से मुक्ति की जो साधना है उसको करना पड़ेगा। दुख गामिनी प्रतिपदा, इसीलिए उन्होंने मध्यम प्रतिपदा मार्ग या इसको मध्यम निकाय या मध्यम प्रतिपदा मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि दुख से पार जाने के लिए कैसे जा सकते हैं, उसके आठ रास्ते बताए। उसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार जो दुखमय है, जिसका कारण इच्छाएं हैं, इच्छाओं से पार जाकर के हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इच्छाओं से पार कैसे जाएंगे उसके लिए उन्होंने रास्ता बताया अष्टांगिक मार्ग का। इन रास्तों पर चल करके, ऐसी साधना करके कोई भी व्यक्ति इच्छा रहित अवस्था में जा सकता है, उसी को उन्होंने निर्वाण कहा। निर्वाण या प्राकृत में इसको कहते हैं निब्बान। निब्बान, इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो यह अवस्था है इच्छा रहित अवस्था। वो अवस्था जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दुख का कारण ही इच्छा है। तो यही उन्होंने कहा कि हम दुख को कैसे समाप्त कर सकते हैं, हमारा कर्म, सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक निर्वाह, सम्यक निर्वाह, सम्यक वाक, सम्यक प्रयत्न। सम्यक का मतलब है उचित, हमारे कर्म उचित हो, हमारी दृष्टि उचित हो, भाव, हमारी जो भावनाएं हैं वो उचित हो, संकल्प उचित हो, समाधि या ध्यान उचित हो, जो जीवन निर्वाह का तरीका है वो उचित हो, वाणी उचित हो और हमारे प्रयत्न उचित हो। इन अष्टांगिक मार्गों को पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में ही निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। बौद्ध धर्म कहता है कि निर्वाण की प्राप्ति मतलब इच्छा रहित अवस्था की प्राप्ति इसी जीवन में हो सकती है। और अगर हम इच्छा रहित अवस्था में पहुंच गए तो मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इनका कहना था कि अगर हम इच्छा रहित अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। निर्वाण की अवस्था मिल जाए तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का उद्देश्य, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। फिर से जन्म लेने की जो प्रक्रिया है हम इसमें ना आए, जीवन चरण मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। और यह तब हो सकता है जब हम इन अष्टांगिक मार्गों पर चल करके अपना जीवन व्यतीत कराएंगे। इन्होंने एक तीन बातें और भी बताई अष्टांगिक मार्ग के जो आठ सिद्धांत हैं, इनमें से भी तीन ज्ञान, सील और समाधि, इन तीन चीजों पर विशेष जोर दिया। अष्टांगिक मार्ग में भी जो ज्ञान, सील और समाधि थी, इसके ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि इन तीन चीजों को हम जरूर पालन करें, हम ज्ञानवान रहें, सीलवान रहें और ध्यान करें। इससे हमको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और जीवन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्त हो जाएगी। इन्होंने सत्य, अहिंसा, मानवता के प्रति उदार भाव, इन अच्छे गुणों की शिक्षा दी। भगवान बुद्ध ने ये जो चार, इनको चार आर्य सत्य कहते हैं। संसार दुख में है, दुख का कारण इच्छा, दुख निरोध, दुख गामिनी प्रतिपदा, ये चार आर्य सत्य कहलाते हैं। इन चार आर्य सत्यों, अष्टांगिक मार्गों, इनका इन्होंने उपदेश दिया और
निर्वाण प्राप्त के लिए सभी को इन्होंने कहा कि अप दीपो भो, अपने दीपक आप स्वयं बनिए, आप स्वयं साधना करके निर्वाण की प्राप्ति इसी जीवन में कर सकते हैं। और जब निर्वाण अवस्था में आपका देहांत होगा तो जन्म मरण के चक्र से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। बुद्ध ने त्रिरत्नों का उपदेश दिया, त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं बुद्ध, बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास, जो उन्होंने धर्म का अष्टांगिक मार्गों का उपदेश दिया उन मार्गों का अनुसरण करना, संघ में रहना, त्याग तपस्या युक्त जीवन व्यतीत करने के लिए लोग अनुयायी लोग संघ में निवास करते थे, जहां बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां रहती थी उसको संघ कहा जाता था। बौद्ध धर्म के संघ की व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये त्रिरत्न, त्रिरत्नों का उपदेश दिया, अष्टांगिक मार्गों का उपदेश दिया, चार आर्य सत्य बताए जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत कहलाते हैं। भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में घूमते रहे और 80 वर्ष की अवस्था तक वो विचरण करके एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम करके उपदेश देते रहे, और उन्होंने अपने उपदेश के लिए जो आज का बिहार है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इनका मुख्य कार्य क्षेत्र था। तो वहां की प्रचलित जो भाषा थी अर्ध मागधी भाषा, जो वहां की जनभाषा थी, उस भाषा में उपदेश दिया, और भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे वो जन जन तक पहुंचे, क्योंकि ये निरंतर विचरणशील रहते थे और घूम घूम करके गांव गांव शहर शहर और राजाओं के यहां भी इन्होंने जा जा करके अपने जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे, जो शिक्षाएं थी, इनका उपदेश अपने पूरे जीवन काल दिया। बौद्ध धर्म का जो संभाषण था, जो उनके उपदेश थे अर्धमागधी भाषा में, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो बाद में पाली और प्राकृत में लिखे गए। तो ग्रंथों की भाषा पाली और प्राकृत है, उपदेश उन्होंने अर्धमागधी भाषा में दिया। भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था तक उपदेश दिया और 80 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत 483 BCE में कुशीनारा, जिसको आज कुशीनगर के नाम से जानते हैं उत्तर प्रदेश में, कुशीनारा में इनका देहांत हुआ। भगवान बुद्ध ने जो अपने जीवन भर अपने उपदेश दिया, इनके उपदेश लोगों तक व्यापक रूप से पहुंचे और बहुत से लोग इनके अनुयायी बन गए। कारण क्या था? बुद्ध जो अपनी बात को कहते थे बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से, बहुत ही सरल भाषा में लोगों तक कहते थे, जो इनके उपदेश थे वो तार्किक थे, जनभाषा में थे, सरल थे, इसलिए बहुत ज्यादा संख्या में इनके अनुयायी बन गए। बौद्ध धर्म के लक्षणों पर हम वार्ता करेंगे। आइए देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रमुख लक्षण क्या थे, बौद्ध धर्म की और जो प्रगति हुई, किस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, कैसे बौद्ध धर्म केवल भारत ही नहीं बल्कि संसार के विभिन्न देशों तक पहुंचा, इन बिंदुओं पर अगले उसमें चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख लक्षण हैं, क्या विशेषताएं थी, उन पर चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के लक्षण या विशेषताएं, पहली बात, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अनीश्वरवादी है। दूसरा, अनात्मवादी है। बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते, ना तो ईश्वर में विश्वास करते हैं ना आत्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास और क्या नहीं करते, जो जाति परंपरा है, जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था
वह जो जातीय व्यवस्था है उसमें विश्वास नहीं करते। सभी को समानता, स्त्री पुरुष में भी भिन्नता में विश्वास नहीं करते। इसीलिए स्त्रियों को भी बराबर अधिकार, स्त्रियों को समानता दी, विभिन्न जातियों को समानता दी, और यही कारण था कि स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार दिया गया। जो बौद्ध संघ थे उन बौद्ध संघों में स्त्रियों को प्रवेश दिया गया। महात्मा बुद्ध की जो माँ थी महामाया, इनके पैदा होने के पश्चात उनका देहांत हो गया था, तो महात्मा बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। प्रजापति गौतमी के कहने से उन्होंने स्त्रियों को संघ में स्थान दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश किसके कहने से दिया, तो प्रजापति गौतमी के कहने से बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। ये इनकी मौसी थी। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली, ये प्रमुख शिष्य थे दोनों। प्रमुख लक्षणों को एक बार फिर से देख लेते हैं। अनीश्वरवादी, अनात्मवादी, पुनर्जन्म में विश्वास, वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, स्त्रियों को समानता का दर्जा देते थे, संघ में महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया। लेकिन संघ में सबका प्रवेश नहीं था। कोई भी व्यक्ति अगर संघ में प्रवेश लेना चाहे तो नहीं ले सकता था, उसके लिए कुछ नियम थे, संघ के नियम थे। पहली बात, संघ का संचालन गणतांत्रिक था। गणतांत्रिक व्यवस्था से संघ का संचालन होता था, वहां अनुशासन के नियम थे, उन नियमों को पालन करना पड़ता था। संघ में जो हिच और विछुड़ियां रहती थी उनको उन नियमों का पालन करना पड़ता था। संघ का संचालन गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत होता था। चोर, हत्या के अभियुक्त, हत्यारा या 15 वर्ष से कम आयु के स्त्री या पुरुष को, दास को, रोगी को, इनको संघ में प्रवेश का अधिकार नहीं था। ये प्रवेश के पात्र नहीं थे। चोर, हत्यारे, 15 वर्ष से कम आयु के स्त्री या पुरुष, दास, रोगी, इन लोगों को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इन्होंने, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल का अंतिम उपदेश, ये क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान बुद्ध ने जीवन काल का अंतिम उपदेश किसको दिया? कुशीनारा में इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त हुई इनकी, वहां पर सुभच्छ नाम के व्यक्ति को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। अंतिम उपदेश कुशीनारा में सुभच्छ को दिया, और पहला उपदेश इन्होंने कौडिन आदि 5 ब्राह्मणों को दिया था सारनाथ में, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन काल में हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद। दो शब्द हैं, निर्वाण या निर्वाण, और एक शब्द पूछा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण या महापरिनिब्बान, महापरिनिब्बान उसको कहते हैं जीवन काल के बाद जो जन्म मरण से चक्र से मुक्ति मिलती है, उस घटना को महापरिनिब्बान कहते हैं। एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, महाभिनिष्क्रमण क्या है? महाभिनिष्क्रमण उस घटना को कहते हैं जब भगवान बुद्ध ने अंधेरी रात में अपनी पत्नी, अपने पुत्र को सोते हुए छोड़ करके राजमहल का परित्याग किया था, तो उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ओके, तो बौद्ध धर्म के लक्षण या विशेषताएं हो गई। बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश कैसे मिला? अब भगवान बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए, वो जीवन काल में तो उपदेश देते रहे, उस समय इनके उपदेशों को संग्रहित नहीं किया गया।
कब इनके उपदेशों को संग्रहित किया गया, कौन कौन से ग्रंथों के रूप में संग्रहित किया गया, आइए इस पर हम देख लेते हैं। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के बाद उनके ग्रंथों का संकलन किस प्रकार हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। जो बौद्ध धर्म था, इस धर्म के जो अनुयायी शासक हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। किन अनुयायी शासकों का सहयोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में मिला? भगवान बुद्ध चूंकि स्वयं राज परिवार से थे, राजकुमार थे, इसलिए बहुत से समकालीन क्षत्रिय शासकों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, अनुयायी बन गए और बौद्ध धर्म की सरलता, बौद्ध धर्म की समानता, बौद्ध धर्म के जो मानवीय सिद्धांत थे वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तो ऐसे अनुयायी शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, उदयन, कनिष्क, प्रसेनजीत, कौशल के शासक, तो इन समस्त शासकों का सहयोग बौद्ध धर्म को प्राप्त हुआ और स्थानीय जनता बौद्ध धर्म के प्रति आसक्त थी, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हुआ। भगवान बुद्ध के मरने के पश्चात इनके अस्थियावशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उन 8 भागों में जो अस्थियावशेष थे उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण किया गया। मुख्य समाधि इनकी कुशीनारा में है, कुशीनगर में है। भगवान बुद्ध के मरने के तुरंत पश्चात भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, भगवान बुद्ध के उपदेशों, संघ संबंधी नियमों, इनके संकलन के लिए जो पहली संगीत हुई, बौद्ध की पहली सभा हुई, इसको प्रथम बौद्ध संगीत कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र के पास जो पहली राजधानी थी मौर्य वंश की, राजगृह, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध धर्म की पहली सभा हुई जिसको प्रथम बौद्ध संगीत कहते हैं। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप, अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे इस बौद्ध संगीत के, और शासनकाल किसका था, शासक कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु का समय था, अजातशत्रु के समय में महाकश्यप के निर्देशन में बौद्ध संगीत हुई और इस संगीत में 2 ग्रंथों की रचना हुई जिनको कि बौद्ध पिटक के नाम से जानते हैं। पहला सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध की शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, और विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है। संघ संबंधी नियमों का संकलन विनय पिटक में। दूसरी बौद्ध संगीत फिर उसके 100 साल के बाद, ये 483 BC में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीत थ्री एट्टी थ्री बीसी में, इस समय शिशुनाग वंश का समय था, शासक था कालाशोक, कालाशोक शासक था जो कि शिशुनाग वंश का था। स्थान था वैशाली, वैशाली में संगीत सभा हुई। ये जो बौद्ध संगीत हुई इसके अध्यक्ष थे साब कमीर। इस बौद्ध संगीत में क्या हुआ, बौद्ध धर्म अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अनुशासन की समस्या के समाधान के लिए 2 भागों में बट गया, अस्थविर और महासंघिक।
अस्थविर और दूसरी शाखा महासंधिक। तो दूसरे बोध संगीत में जो कालाशोक के समय में हुई थी, वैशाली में हुई थी, अध्यक्ष इसके साहब कबीर थे, क्या मुख्य बात हुई? विभाजन हुआ, अस्थविर और महासंघिक दो शाखाएं बौद्ध धर्म की बन गई। तीसरी बौद्ध संगीत, थर्ड बौद्ध संगीत, यह अशोक के समय हुई, स्थान था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे मोंगलपुत्त तिस्स। इस बौद्ध संगीत में एक बड़ा परिवर्तन आया, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई, हीनयान और महायान, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो तीसरी बौद्ध संगीत जो अशोक के समय हुई, इसका समय है 251 BC और मुख्य निर्णय इस संगीत में क्या लिया गया कि एक तीसरा ग्रंथ अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म में पहले से दो पिटक थे, कौन कौन? सुत्त पिटक और विनय पिटक, जो प्रथम बौद्ध संगीत में संकलित किए गए, एक तीसरा पिटक जोड़ा गया जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शन संबंधी विचारों का संग्रह है। यह बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का संग्रह है, अभिधम्म पिटक। तो तीन पिटक बन गए, इनको पिटक इसलिए कहते थे, ये बांस की पिटारी में रखे जाते थे इसलिए इनको पिटक कहते थे। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन से हैं, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी शिक्षाएं, सुत्त पिटक में शिक्षा उपदेश, अवधम पिटक में दार्शनिक विवेचना है। चौथी बौद्ध संगीत ये कनिष्क के समय में हुई, जो कुषाण वंश का शासक था, कुंडलवन कश्मीर में इस संगीत का आयोजन किया गया और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। इस संगीत का मुख्य जो आयोजन हुआ वो इस बात को लेकर के कि बौद्ध धर्म में वैचारिक अंतर बढ़ चुके थे और इस संगीत में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई, हीनयान और महायान। हीनयान कौन थे, महायान कौन थे, चर्चा कर लेते हैं। हीनयान वो लोग थे जो भगवान बुद्ध को मनुष्य मानते थे, उनकी शिक्षाओं को मानते थे, रूढ़वादी थे। महायान भगवान बुद्ध को ईश्वरीय मानते थे, उनकी मूर्ति रूप में पूजा करते थे, उनको महामानव से ऊपर ईश्वर की श्रेणी में रखते थे। हीनयान का समर्थक अशोक था, महायान का समर्थक कनिष्क था। ये अंतर देखिएगा, अशोक हीनयान का समर्थक था, कनिष्क महायान का समर्थक था। बड़ा अंतर ध्यान में हमेशा रखिएगा, हीनयान मूर्ति पूजक नहीं थे, महायान मूर्ति पूजक थे। हीनयान इनको बुद्ध को मानव मानते थे, ये महायान वाले उनको ईश्वर मानते थे। तो चौथे बौद्ध संगीत तक आते आते बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। आगे चल करके महायान की दो शाखाएं और भी हो गई, विज्ञानवाद, शून्यवाद, इस प्रकार बौद्ध धर्म में अनेक शाखाएं, प्रशाखाएं, वज्रयान, तंत्रयान, इस प्रकार विभिन्न शाखाओं में बौद्ध धर्म बढ़ता गया। तो चौथे बौद्ध संगीत में बड़ा अंतर, हीनयान और महायान शाखाओं में इसका विभाजन। बौद्ध ने जो उपदेश दिया था, उनके जो समर्थक थे, जो उनके अनुयायी थे, जिन्होंने अष्टांगिक मार्गों का पालन किया और अपने जीवन काल में ही सिद्धियां प्राप्त की, बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की, ऐसे अनुयायियों को बोधिसत्व कहा जाता था। कई बार आप इस शब्द को सुनते हैं, तो बोधिसत्व किसे कहते थे? ऐसे साधक जिन्होंने अपने त्याग तपस्या से अपने जीवन कार्य में बहुत से पुण्य संग्रहित किए हैं, बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन उन सिद्धियों का उपयोग
वो अपने निर्वाण के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए करते थे। जनता के कल्याण के लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग करने वाले साधकों को बोधिसत्व कहा जाता था। एक शब्द और जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, थेरी। थेरी कौन थी? ऐसी संघ में रहने वाली महिलाएं जिन्होंने अपनी साधना से निब्बान की स्थिति प्राप्त कर ली थी, वो थेरी कहलाती थी। थेरी महिलाओं के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निब्बान की अवस्था प्राप्त कर ली थी, उनको थेरी कहा जाता था। इस प्रकार बौद्ध धर्म भारत में अशोक, कनिष्क और समकालीन शासकों के द्वारा प्रचारित प्रसारित किया गया, और उसके पश्चात भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो पिटक के रूप में लिखे गए, वो पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए। बाद में बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें श्रीलंका, चीन आदि देशों तक गई, दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश, इस प्रकार के ग्रंथों का संकलन सिंगलीज और चाइनीज भाषा में किया गया। भगवान बुद्ध के मरने के पश्चात इन शासकों के द्वारा, विशेष करके अशोक के द्वारा, बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में व्यापक रूप से फैला। भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत थे वो मानवीय और उदार विचारों पर आधारित थे, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार छठी शताब्दी में हिंदू धर्म, जो कि एक कठोर धर्म था, एक रूढ़िवादी धर्म था, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इस धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन संयोग की बात है, जो भारत बौद्ध धर्म का प्रारंभ करने का देश था, आज वहां उसके अनुयायियों की संख्या कम हो गई, जबकि अन्यत्र देशों में बौद्ध धर्म के समर्थक, बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ी मात्रा में हैं, और कुछ देशों के प्रमुख धर्म में, चीन, अपना पड़ोसी देश श्रीलंका, बर्मा या म्यांमार, भूटान, इन देशों में बहुत, कोरिया, थाईलैंड, इन देशों में बौद्ध धर्म आज भी प्रमुखता से है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, शिक्षाओं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इन पर हमने विस्तार से चर्चा किया। आपको वीडियो कैसा लगा, मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इच्छुक रहूंगा। आपको यदि कोई संदेह है तो टेलीग्राम चैनल पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे वाले वीडियो में मैं जैन धर्म की शिक्षाओं, जैन धर्म के सिद्धांतों, इन पर आपसे चर्चा करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जैन धर्म और उनकी विशेषताओं के बारे में। धन्यवाद।